भारत ने पाकिस्तान को एक धड़कने रोक देने वाले मैच में 6 रनों से पराजित कर पूरे 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। जी हाँ, T20 विश्व कप 2024 में भारत ने अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की, वहीं पाकिस्तान लगातार दूसरी हार झेलने को मजबूर हुआ। इस जीत में यूं तो भारत की टीम एफर्ट का योगदान रहा, पूरी टीम ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कुछ खिलाड़ी रहे जिनके प्रदर्शन ने भारत को मैच जिता दिया। तो कौन है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जीत के नायक, किन-किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मैच पर असर डाला और जिसने टर्निंग पॉइंट क्रिएट किए, आज उन्हीं सब की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 विश्व कप 2024 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को 6 रनों की शिकस्त दी है। ये एक बहुत रोचक मुकाबला हुआ, रोमांचक मुकाबला हुआ, या यूं कह लें ये एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। इस मैच की अगर हम बात करें और भारतीय जीत के नायकों की बात करें, तो देखिए भारतीय टीम ने सिर्फ 119 रन बनाए हैं। तो जो पहले नायक के तौर पर आप देख सकते हैं वो हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो भारतीय बैटर हैं जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 42 रन बनाए 31 गेंदों पर। यह बात सही है कि उन्हें कुछ जीवनदान मिले, लेकिन जिस तरह की पिच है वैसी पिच पर ये 42 रन अंत में निर्णायक साबित हुए हैं, और इसलिए ऋषभ पंत को आप भारतीय जीत के नायकों में एक मान सकते हैं। तो मैच के हीरो जो है ऋषभ पंत रहे। इसके अलावा जब वो विकेट कीपिंग करने आए तो 3 कैच भी लपके, और खास करके जो उन्होंने फकर जमा का कैच पकड़ा वो कमाल का था। तो जो कैचेस उन्होंने लिए और जो 42 रन बनाए उसका मैच पर बहुत प्रभाव रहा। दूसरे इंपैक्ट प्लेयर जिन्हें कि मैच का हीरो आप कह सकते हैं, जो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और वो कोई और नहीं, वो हैं बूम बूम बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह। देखिए 119 आपको डिफेंड करना था, ये आसान काम नहीं था। भले ही पिच पर मदद थी गेंदबाजों के लिए, लेकिन धूप पड़ने के बाद इस पर वो स्विंग देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में पिच का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना अगर किसी को सीखना हो तो जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान ने 26 रन बना लिए थे बिना विकेट के, और शुरुआती 2 ओवरों की हम बात करें जो अर्शदीप और सिराज ने फेंके तो लगने लगा कि विकेट नहीं गिरेगा तो क्या होगा। जसप्रीत बुमराह ने मैच में 3 विकेट लिए, वो 4 भी हो सकता था अगर उन्होंने पहले ओवर में जो मौका बनाया था और जो वहां पर आपको कैच गया था रिजवान का, जिसे कि शिवम दुबे ने टपका दिया, वो अगर आप जोड़ लेते तो वो 4 विकेट हो जाता। लेकिन खैर रिजवान का कैच छूटा, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने चांस क्रिएट किया था, वो पारी का 3रा ओवर था। लेकिन 5वें ओवर में वो आते हैं और वो आउट करते हैं, तो किसे आउट करते हैं? पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को आउट करते हैं। एक गेंद जो थोड़ी बाउंस हुई, बाबर आजम खेलने जाते हैं, स्लिप में कैच जाता है और सूर्य कुमार यादव उस कैच को लपक लेते हैं। तो जब भी विकेट की जरूरत हुई वहां पर जसप्रीत बुमराह आए, और देखिए रिजवान एक छोर पर जमे हुए थे और 31 रन बना चुके थे, और वहां पर जसप्रीत बुमराह आते हैं और वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो 15वां ओवर था और वहां पर जसप्रीत बुमराह आते हैं और एक गेंद जो कि अंदर की तरफ आती है और रिजवान उसे खेलने जाते हैं मिड विकेट की तरफ, और वहां पर वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अगर रिजवान क्रीज पर बने रह जाते तो चूंकि 119 का स्कोर इतना बड़ा नहीं था तो वो लक्ष्य जो है पाकिस्तान की टीम हासिल कर सकती थी। और इसके बाद जब अपने आखिरी ओवर में आए
जसप्रीत बुमराह, वो पारी का 19वां ओवर था, दो ओवर में 21 रन बनाने थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए, और आखिरी ओवर जो है वो अर्शदीप सिंह को फेंकना था। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो 19वां ओवर जो है इतना कमाल का करें कि आखिरी ओवर में अर्शदीप के पास इतने रन हो कि वो अपना ओवर निकाल लें। और जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह उम्मीदों पर खरे उतरे। 19वें ओवर में उन्होंने जो है सिर्फ 3 रन खर्च किए और इफ्तिखार को भी चलता कर दिया, वो इफ्तिखार जो कि आक्रामक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, और अगर वो आखिरी ओवर में रहते तो हो सकता है वो कुछ लंबे स्ट्रोक लगा सकते थे, लेकिन इफ्तिखार के आउट होते ही पाकिस्तान की सारी संभावनाएं मैच में खत्म हो गई। अब समझिए, अगर आप जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो 4 ओवर में उन्होंने जो है सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। अब एक T20 इंटरनेशनल में 4 ओवर में 14 रन 3 विकेट एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या, 15 डॉट गेंदें जसप्रीत बुमराह ने फेंकी है। तो मैच के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। अब अगर हम जाएं कि और कौन कौन से खिलाड़ी जीत के नायक हैं या नायकों में शामिल हैं, तो देखिए आपको हार्दिक पांड्या का नाम भी लेना पड़ेगा। बल्लेबाजी में हालांकि वो बहुत कुछ नहीं कर पाए थे और सिर्फ 7 रन बना सके थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने वो काम किया है, और उन्होंने जो है जो सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया वो फकर जमा का लिया। फकर जमा अटैकिंग मूड में दिख रहे थे, वो स्ट्रोक खेलना चाहते थे, और पिच जिस तरह की थी फकर जमा की स्ट्रैटेजी सही थी कि गेम को जल्दी फिनिश करो, नहीं तो इस पिच पर कोई एक ऐसी गेंद आएगी और आपको आउट करके चली जाएगी। हार्दिक ने जब देखा कि फकर जमा स्टेप डाउन कर रहे हैं, क्रीज से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने छोटी गेंद डाल दी, और वो एक सरप्राइज था फकर जमा के लिए। वो गेंद को खेलने जाते हैं और पीछे ऋषभ पंत ने गोता लगाते हुए कैच लपका, वहां हेलमेट रखा हुआ था, लगा एक क्षण के लिए कि ऋषभ पंत उस हेलमेट से टकरा सकते हैं, लेकिन बैलेंस बनाए रखा, आंखें गेंद पर रखी और उस कैच को लपक लिया। तो यहां पर हार्दिक पांड्या ने एक बेहद महत्वपूर्ण विकेट जो है वो लिया, और इसके बाद जब हार्दिक पांड्या जो है वो पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं, तो वहां पर वो शादाब खान को आउट करते हैं। शादाब खान भारत के लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शादाब को भी चलता कर दिया, ऑलमोस्ट फकर जमा वाले स्टाइल में ही उन्हें भी शॉर्ट गेंद फेंकी, वो भी पुल करने गए, और फिर वैसे ही ऋषभ पंत विकेट के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने वो कैच लपक लिया। तो हार्दिक पांड्या के योगदान को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जब मैच के नायकों की बात होगी इंडिया पाकिस्तान मैच 2024 T20 विश्व कप की, तो उसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम आएगा। अब अगर हम जीत के नायकों की बात कर रहे हैं तो उसमें चौथे खिलाड़ी कौन है, तो चौथे खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का इस मैच में इंपैक्ट बड़ा रहा, पहले एक बैटर के तौर पर और बाद में एक बॉलर के तौर पर भी अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया। देखिए, भारत के 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों आउट हो चुके थे, स्कोर बोर्ड पर टंगा था सिर्फ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और वो भी 2 विकेट किनके, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली के। वहां पर अक्षर पटेल ने एक पार्टनरशिप डेवलप की, किसके साथ, ऋषभ पंत के साथ, और वो जो 39 रनों की पार्टनरशिप हुई उसी की बदौलत भारत 119 रनों तक पहुंच सका। अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए जो कि बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए हैं इस मैच में, और इसके अलावा आप देखिए गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल की। उन्होंने जो उस्मान को LBW आउट किया तो एक विकेट लेकर दिया, लेकिन इस विकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण ओवर उन्होंने पारी का 16वां ओवर फेंका। उस समय ऐसा लग रहा था कि शादाब और जो थे वहां क्रीज पर थे, इमाद वसीम वहां पर थे, लेकिन इमाद वसीम को जिस तरह से उन्होंने 2 पॉइंट लगाकर रोका वो काबिले तारीफ है, और उस ओवर में उन्होंने
तीन रन मुश्किल से खर्च किए और वो ओवर निकाल दिया, जिससे कि इंडियन बॉलर्स के पास खेलने के लिए और रन हो गए। तो जो जीत के चौथे नायक हैं वो हैं अक्षर पटेल, और उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय जीत में अहम रोल अदा करने में सफल रहा है। अब जीत के पांचवें नायक की अगर हम बात करें तो वो हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि बतौर बल्लेबाज वो उतने सफल नहीं रहे, सिर्फ 13 रन बनाए उन्होंने 12 गेंदों पर, और उसके बाद एक आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में वो कैच किए गए। लेकिन अगर रोहित शर्मा नायक बने हैं तो अपनी कप्तानी की वजह से बने हैं। देखिए, अक्षर पटेल को उन्होंने 4 नंबर पर प्रमोट किया, कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाना ही था तो शिवम दुबे वहां पर थे, लेकिन ये बात जान रहे थे रोहित शर्मा कि शिवम दुबे के लिए अभी सब कुछ नया है, तो उन्होंने अक्षर पटेल के एक्सपीरियंस पर विश्वास किया और उन्हें 4 नंबर पर भेजा, और अक्षर पटेल अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके बाद जब 119 रन डिफेंड करना था तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। उन्होंने बुमराह का बड़ी चतुराई से जो है इस्तेमाल किया। उनके जो 4 ओवर हैं उन्होंने 3 स्पेल में निकाले, मतलब 3 बार बॉलिंग करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। पहले स्पेल में 2 ओवर किया, फिर 15वां ओवर फेंका और फिर 19वां ओवर फेंका। तो ये जो उनकी कप्तानी रही वो जीत में एक प्रमुख भूमिका अदा करने में रहा। इसके अलावा बॉलिंग चेंजेस उन्होंने जो है बहुत सोच समझ कर की। अक्षर पटेल से 16वां ओवर करवाना एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि कप्तान वहां पर यह सोच सकता था कि हम 19 ओवर तक चलते हैं, 20वें ओवर में सोचेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने वहां पर अक्षर पटेल से वो ओवर निकलवा दिया और अक्षर ने भी अपने कप्तान के भरोसे पर खुद को खरा पाया, तो इसलिए वहां पर अक्षर पटेल की भी तारीफ बनती है। तो रोहित शर्मा ने इस मैच में अच्छी कप्तानी की, चाहे उनकी फील्ड सेटिंग की बात कीजिए। जब अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे इमाद वसीम को तो उनके लिए 2 पॉइंट दिया। तो ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। तो जो पांचवें नायक हुए जीत के, भारतीय जीत के पाकिस्तान के खिलाफ, वो हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। इसके अलावा बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो विराट कोहली हो, टीम का उत्साहवर्धन करते दिखे। मोहम्मद सिराज की बात कर लीजिए, उन्हें विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा को भी जो ओवर दिए गए वहां पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने ऋषभ पंत के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप की 31 रनों की। तो सभी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन जब हम पाकिस्तान के खिलाफ जीत के नायकों की बात करेंगे तो वो 5 नाम हैं जो ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रोहित शर्मा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।